उत्तरकाशी में 38 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने गंगोत्री हाईवे को खोल दिया है। गंगोत्री हाईवे गंगनानी के पास तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हाईवे खुल जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं सेना की गाड़ियां भी निकाल ली गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा के पास कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सड़क का उद्घाटन किया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में गटिया बगड़ से लीपू पास तक बनाई गई इस सड़क को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्पित किया गया, जहां CDS विपिन सिंह रावत के अलावा सेना प्रमुख मुकुंद नरवाए के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। सामरिक रूप से भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सड़क के निर्माण से सेना और ITBP SSB के जवान चौकियों तक वाहनों से आसानी से पहुंच सकेंगे। इस सड़क की लंबाई 75 किलोमीटर तक बताई जा रही है। 2003 में बीआरओ को इस सड़क के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाया। इस सड़क के निर्माण से अब यात्रा का 80% हिस्सा भारत में वाहनों से और 20% हिस्सा चीन के वाहनों से तय किया जाएगा। ये पहले 90 किलोमीटर का ट्रैक होता था तवाघाट से लेके लिपू लेक तक। अब लिपू लेक तक ये पूरा जो मानसरोवर यात्रा का रूट है ये बाई रोड हो जाएगा, बाई व्हीकल हो जाएगा, जो कि पहले जो 5-6 दिन का जो ट्रैक होता था वो अभी 3 दिन का हो जाएगा एक्लिमेटाइजेशन को मिला के। ये काफ़ी अरसे से 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट और स्पेशली जो 20 किलोमीटर स्ट्रेच था वो फंसा हुआ था। पिछले 2 वर्ष में काफ़ी तेजी आई है। 20 टाइम्स आउटपुट देके हमारे बीआरओ के जवानों ने ये इसको पूरा कनेक्ट किया है।